नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। घर के बाकी हिस्सों के साथ बालकनी भी खास महत्व रखती है। खास तौर पर फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए तो बालकनी ही ऐसी जगह है जहाँ से वो साफ और ताजी हवा का आनंद ले सकते हैं। ऐसे में बहुत से लोग अपनी दिन की शुरुआत बालकनी में चाय या कॉफी पीकर करते हैं। इसलिए घर के बाकी कोनों के साथ बालकनी का वास्तु ठीक होना भी बेहद जरूरी है, नहीं तो इसका बुरा प्रभाव जिंदगी पर पड़ सकता है। घर के कमरों की तरह बालकनी भी सही दिशा और स्थान में होनी जरूरी मानी जाती है। वास्तु के मुताबिक घर की उत्तरी या उत्तर पूर्व दिशा में बालकनी होना शुभ होता है। असल में इसी स्थान पर सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा आती है, ऐसे में यहाँ पर बालकनी होना अच्छा और शुभ माना जाता है। इसके विपरीत दक्षिण और पश्चिम दिशा की बालकनी बहुत अशुभ है। बालकनी की छत ढलान उत्तर या पूर्व की तरफ शुभ होती है, साथ ही छत की ढलान घर की तुलना में नीची होनी चाहिए। इसके अलावा बालकनी की छत बनवाने के लिए टीन या लोहे का इस्तेमाल करने से भी जरूर बचना चाहिए। वास्तु के मुताबिक बालकनी में भारी फर्नीचर रखने से बचें। साथ ही कई लोग यहां पर झूला रखना पसंद करते हैं, ऐसे में अगर इसे आप रखना चाहते हैं तो उत्तर या दक्षिण दिशा में ही रखें। अक्सर लोग बालकनी को पेड़ पौधों से सजाते हैं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने के साथ धीमी धीमी खुशबू आती है। ऐसे में बालकनी में बड़े की जगह छोटे छोटे और रंग बिरंगे पौधे लगाएं। इसके साथ ही यहाँ पर गलती से भी लताएं और बेल वाले पौधे न लगाएं। माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। बालकनी में अक्सर लोग योगा और एक्सरसाइज भी करते हैं, इसके लिए बालकनी की दीवारों का रंग हमेशा एकदम हल्का रखें। साथ ही वास्तु के अनुसार बालकनी में तेज की जगह हल्की रोशनी वाली लाइट्स भी लगाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।